24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत की क्यूडी निवासी 22 वर्षीय अनीता हस्ता की मौत मामले में ग्रामवासियों ने परसुडी थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। पिछले दिनों परसुडी थाना अंतर्गत क्यूडी निवासी 22 वर्षीय अनीता हसंदा की मौत हुई थी। ससुराल वालों ने इस मामले में पुलिस को बताया था कि अनीता हसंदा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दूसरी तरफ महिला के मायके वालों ने इस मामले को हत्या करार दिया है और इस मामले में परसुडी थाने में मामला दर्ज कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है, पर अब तक सास ससुर को गिरफ्तार नहीं करने के साथ ही दैनिक अखबार में महिला के मौत के पीछे महिला के साथ अवैध संबंध के खबर को प्रकाशित किया गया था, जिससे आक्रोशित महिला के मायके वालों ने परसुडी थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। इस मामले में परसुडी पुलिस ने ग्रामीणों को उचित कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए हैं और पूरा ग्राम सभा के लोग आए हैं। मामला 2 तारीख का है। घुड़ोडे गांव के हमारे बेटी अनीता हंसदा किनोडे गांव में शादी हुई थी और उसका माँ पिताजी और लड़का के द्वारा बहुत प्रताड़न किया गया, क्योंकि वो लड़की बेचारी 5 महीना का प्रेगनेंसी थी, वो कैसे फांसी में चढ़ फांसी हो जाएगी। उसके पिताजी एक दिन पहले पैसा मांगा था कि हम हॉस्पिटल में चेकअप करवाएंगे, और 2 तारीख को उसके लड़का के साथ उसके दामाद के साथ बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, और 3 बजे के करीब फांसी कैसे हो सकती है, ये संभावना तो नहीं है। ये मामला हमको लगता है ये लोग जबरदस्ती गला दबा के मार के फांसी का फंदा में एक बहाना बना रहा है। और गांव वाले ने हमने पूछा, किनोडी के गांव वाले ने यही बात बोले कि नहीं, ये लोग 4 साल से उसके माँ पिताजी और लड़का द्वारा बहुत प्रताड़न किया गया है और मर्डर फांसी नहीं हुई है, वो आत्महत्या नहीं है, ये जबरन गला दबा के मार दिया गया है। और उसी के माध्यम हम लोगों ने केस FIR किया उसके माँ बाप और लड़का पर। लड़का अभी जेल में है और माँ पिताजी को छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि माँ पिताजी को कैसे छोड़ा जाएगा। उसके ऊपर में भी हम लोग FIR किया है, वो संज्ञान जांच पड़ताल हो, अगर दोषी है तो उनको भी अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं तो फिर हम लोग SSP ग्रामीण के पास जाएंगे, ऊपर लेवल हम लोग जाएंगे और एक निश्चित अवधि में परसुडी थाना प्रभारी गाँव में जांच पड़ताल कर उचित न्याय मिले लड़की को, नहीं तो हम लोग थाना में प्रदर्शन करेंगे और ऊपर SSP के में हम लोग बात करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगा तो फिर हम लोग धरना करेंगे थाना में। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24 न्यूज़।